मैं हूं बेयर ग्रिल्स। आपने मुझे दुनिया भर में बेहद मुश्किल परिस्थितियों में अजीबोगरीब चीजें करते हुए देखा होगा। आज मैं एक बेहद खास मेहमान के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड के एक स्पेशल एडिशन के लिए इंडिया आया हूं। मैं नॉर्दर्न इंडिया के हिमालयन फुटहिल्स में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने वाला हूँ। इस बेमिसाल देश में दुनिया की कुछ सबसे शानदार मगर साथ ही सबसे खतरनाक वाइल्ड लाइफ है। यहाँ पर टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट्स और बहुत सारे स्नेक्स हैं। प्रधानमंत्री मोदी भले ही दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के लीडर हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ जंगल का राज चलता है। वेलकम टू इंडिया। तो प्रधानमंत्री जी, जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त हम एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एरिया में हैं। ये नेशनल पार्क है, पर ये खतरनाक जगह है। यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं और इसीलिए ज्यादातर लोग जो इस पार्क में आते हैं वो अपनी गाड़ियों से नीचे नहीं उतरते। लेकिन मैं मानता हूं कि हमने इसे डेंजर नहीं मानना चाहिए। अगर हम प्रकृति से संघर्ष करते हैं तो हर कुछ डेंजर होता है, इंसान भी डेंजर बन जाता है। ओके, तो हम उस तरफ चलते रहेंगे और वहां उन पेड़ों के नीचे पहुंचकर वहीं पर कुछ देर के लिए रुक जाएंगे। तो आप ये पकड़िए और अब हम एक काम करेंगे। ओके, आप ओके, आप इसे पकड़िए। ओके, अब इसे घुमाते रहिए, घुमाइए, ध्यान से घुमाते रहिए। वैसे मैंने सुना है कि जब आप छोटे थे तो आपने भी पहाड़ों में काफी वक्त गुजारा। यस, इन हिमालयस। टेल मी अबाउट दैट। एक्चुअली एट द एज ऑफ 17-18 मैंने घर छोड़ा। अच्छा। ऐसा ही सोच रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। प्रकृति मुझे पसंद थी, हिमालय में भी लोगों से मिलता रहता था, उन्हीं लोगों के बीच में रहता था, तो एक बड़ा विशेष अनुभव था, काफी समय बिताया वहाँ पर। वो तो वाकई एक कमाल का अनुभव रहा होगा आपके लिए। ऑफ कोर्स। और क्या उसका असर आपके कैरेक्टर पर पड़ा? आज भी वो ताकत है। आप इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है, मेरा काम है आपको जिंदा रखना सर। अगर कोई टाइगर आता है तो ये इस तरह, इससे आपकी रक्षा होगी। वाह, अब आप इंचार्ज। मेरे जो संस्कार है वो मुझे मारने के संस्कार नहीं है, इसलिए। ओके, तो ये मैं ले लेता हूँ। मैं आपके लिए उसको मेरे पास रखूँ। परफेक्ट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, ओके, तो हम नीचे नदी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप वाकई एक बहुत ही शानदार देश में रहते हैं, तो यहाँ से हम इस नदी को फॉलो करेंगे। किसी पॉइंट पर हमें उसे पार करना होगा, तब तक चलते रहेंगे। आपको क्या लगता है हम सब मिलकर इंडिया को क्लीन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, कोई बाहर की मदद से इंडिया क्लीन नहीं होता है। इंडिया क्लीन होता है इंडिया के लोगों के स्वभाव से। इंडिया में पर्सनल हाइजीन उनके संस्कार में है। सोशल हाइजीन की हैबिट हमें डेवलप करनी है और महात्मा गांधी ने इस पर बहुत काम किया और इन दिनों हमें बड़ी सफलता मिल रही है। और मैं मानता हूँ भारत बहुत बहुत तेजी से काम कर लेगा। मुझे जंगल की और आउटडोर्स की और प्रकृति की यही बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। ये लोगों को पास लाती है और ये संस्कृतियों और भाषाओं की सीमाओं को नहीं मानती है। और हम बस ऐसे ही नदी के किनारे पर खड़े रह सकते हैं, दो लोग जो गीले हैं, जिन्हें ठंड लग रही है, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। और हम मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि हमने एक अच्छा सफर तय किया है, वो भी साथ मिलकर। और अब हम दोनों अपनों के पास वापस जा सकते हैं, सिर उठाकर और खुशी से।